आज तक सपोर्ट किया। हम फाइनेंस अकाउंट सिस्टम के कैंडिडेट्स, आज सर 30 दिन, सर आज 30 दिन हो गए हमें जम्मू में, श्रीनगर में, और आज हमारी डेलीगेशन दिल्ली में भी गई है। सर हमारी डिमांड्स स्टार्टिंग से ही यही रही है कि हमारी जो लिस्ट है उसे स्क्रैप ना किया जाए। जैसे कि आप सबको पता है सर, ये बात मानना चाहते हैं कि जो एफए कैंडिडेट्स हैं वो 30 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर थोड़ा मैं स्टार्टिंग से ब्रीफ पे जाऊंगा कि जो हमारी ये नोटिफिकेशन थी वो 16 दिसंबर 2020 में रिलीज होती है। उसके बाद ये हमारा पेपर जो है वो 4 बार पोस्टपोन किया जाता है। फाइनली हमारा जो एग्ज़ाम है वो 6 मार्च 2022 में होता है, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद कंप्लीट हो चुकी है। मतलब सर हम अपने बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं आज। अब उसके बाद JKPSI का एग्जाम होता है। JKPSI में कुछ एलिगेशंस आती हैं जिसके बेसिस पे इंक्वायरी बिठाई जाती है और JKPSI को स्क्रैप कर दिया जाता है। सेम फियर, सेम डर आज हम कैंडिडेट्स के बीच में था। हमारे एग्जाम में भी इंक्वायरी है, जो कि एलिगेशंस थी वो सारी की सारी एलिगेशंस हमने सर ऑन कैमरा आप मीडिया पर्सन के सामने हमने प्रूव कर दी कि वो गलत थी। उसके बाद इवन हम आज भी यही चीज बोलना चाहते हैं सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीजन सबसे पहले हमारा प्रोटेस्ट यहाँ से आपको पता है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। हम बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं सर सरकार के साथ। हमें पता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पे नहीं बैठने दिया जाएगा और हमने ये डिसाइड किया था कि आज से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट 15 अगस्त तक अपना हम डिस्पर्स हो गए वहां से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू सर एक लास्ट मैसेज हम देना चाहते हैं कि हमारी लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए, हम बच्चों को कंसीडर किया जाए। ये 972 फैमिलीज का मैटर है सर, 1.5 साल की मेहनत है हम बच्चों की, एक एक बच्चे ने मेहनत की हुई है सर। फिर भी अगर किसी को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है, हम रिक्वेस्ट करेंगे सर, हम वेलकम करेंगे CBI इंक्वायरी का, हम वेलकम करेंगे आपकी इंक्वायरी का। आप प्लीज उन्हें बाहर करें, फिल्टर करें, लेकिन जो फाइनल हमारी कॉल है वो स्क्रैप इज नॉट अ सॉल्यूशन। स्क्रैप ना किया जाए लिस्ट को सर, ये हम बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। हम बच्चों ने मेहनत की उनके साथ गलत हो जाएगा। सर मैं कुछ और चीजें मीडिया के थ्रू यहाँ पे लाना चाहता हूँ। ये JKSSB का प्रेस रिलीज है सर, ये बिल्कुल हमारे एग्जाम के बाद ये प्रेस रिलीज आया था, जिसमें इन्होंने ट्विटर हैंडल्स के थ्रू, ये हम पहले भी ये बता चुके हैं कि इन्होंने ये मेंशन किया था कि ये जो एग्जाम है बिल्कुल CCTV सर्वेलेंस में हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट। सर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया था कि किसी तरह की कोई भी मतलब चीटिंग कोई भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी इन एग्जाम्स। एक एक ट्विटर हैंडल पे इनके ट्वीट्स थे, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स थे उनके ट्वीट्स आए थे सर। ये प्रेस रिलीज आज भी इनकी वेबसाइट पे है। हम यही चीज बोलना चाहते हैं सर कि जब आपने एक बार ये चीज बोल दी, आप उसको ओवररूल क्यों कर रहे हो? और अगर ओवररूल कर रहे हो तो आप सिर्फ फिल्टर करें, ना कि स्क्रैप करें। उसके बाद सर हमारे जो बच्चे हैं वो आज दिल्ली जाने के लिए मजबूर हुए। उसका रीजन ये है कि सर आज हम 30 दिन से यहाँ पे बैठे हुए थे और हम बार बार एश्योरेंस की बात कर रहे थे, लेकिन हमें सरकार की तरफ से, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी एश्योरेंस नहीं दी गई। और आज के दिन हमें दिल्ली जाना पड़ा मजबूर होके। श्रीनगर में लाठीचार्ज हुआ, यहाँ पे लोग बेहोश हुए, हॉस्पिटल लेके गए, ये हम बच्चों के साथ गलत हो रहा है। और सर अगर ये हम बच्चों के साथ गलत होता है, मैं मीडिया के थ्रू पूरी पब्लिक को ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि सर फिर तो जम्मू एंड कश्मीर में किसी के साथ भी गलत होगा। हमें कहा जाता है कि आप लोग पढ़ाई करो, मेहनत करो, आगे जाके आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, हम जितने भी कैंडिडेट्स से मेहनत की है, आज हम 1,90,000 कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट होकर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो अगर हम लोगों के साथ गलत हो रहा है तो किसी के साथ भी गलत हो सकता है। उसके बाद ये शालिनी आगे कंटिन्यू करेंगे। शालिनी क्या कहेंगे आप, बोलिए आप यहाँ से। सर आपके पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, आपके पास इतनी कैपेबल एजेंसीज हैं कि वो जो है हमारे साथ जस्टिस कर सके। ठीक है, CBI है सर, हम उसको वेलकम कर रहे हैं, डे वन से हम बोल रहे हैं कि हम CBI को पूरा सपोर्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि सर ना तो उन बच्चों के साथ जस्टिस होगा जो बच्चे रह गए हैं और ना ही हम लोगों के साथ जस्टिस होगा, इनजस्टिस होगा। तो सर मैं कुछ रखना चाहूंगी कि बातें में रखना चाहूंगी कि जस्टिस नागेश्वर राव की जजमेंट्स है नीट 2021 में, उन्हें बोला है कि मतलब स्क्रैप जो है वो सोल्यूशन नहीं है। सर अगर आप स्क्रैप करते हो तो सर ये उन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के साथ बहुत इनजस्टिस होगा। सर दूसरा जेई मेन्स का अभी 2022 में क्या हुआ कि सर 24 बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर किया, जिसमें से 5 बंदों पे एलिगेशंस थे कि उनने कुछ अनफेयर मीन से जो है वो सीट कवर करी हुई है। तो सर उन जो 5 बंदों पे एलिगेशंस थे सर उनको भी विथहेल्ड किया, बाकी जो प्रोसेस था वो आगे फर्दर उन्होंने प्रोसेस जो था सर वो कम्प्लीट करवाया। तो सर मैं यही बोलूँगी हमारे पास इतनी एजेंसीज है, अगर आपको लगता है कि
फिल्ट्रेशन कैसे करें? तो सर आपने बाद में भी तो फिल्टर करना है ना, सीबीआई क्यों बुलाई है? सीबीआई इसीलिए बुलाई गई है कि आप जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं या जो भी है जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बंदा, तो सर उसको बाद में भी तो आपने फिल्टर करना है, तो आप पहले ही करो। शाली एक चीज पूछूंगा मैं आपसे, आपके जो एग्जाम के बाद आपके पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, यानी कि नौकरी पूरी मिलने का चांस था, तो बाद में क्यों रोका गया, पहले क्यों नहीं रोक लिया गया इस चीज को? सर वो तो अभी ये जस्ट इसको जेकेपीएसआई के साथ एक लिंक किया जा रहा है हमारा, तो आप सबको ही पता है कि हमारी जो डीबीज हुए अभी 2 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया, उस टाइम तक कोई एलिगेशन नहीं सर, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो जेकेपीएसआई का था सर उसमें भी हम लोग सेलेक्टेड हैं, उसमें भी अगर स्क्रैप हो तो उसमें भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सर। बट उसमें क्या था कि पहले ही चीजें जो है आप भी पता है मीडिया सोर्सेज में पहले ही चीजें बाहर आने शुरू हुई थी रिजल्ट के बाद, तो फिर सीबीआई प्रोब हुआ, फिर अभी अभी कुछ 33 एक्यूज जो है उसमें पाए गए हैं। बट सर क्या 33 एक्यूज की वजह से आपने बाकी बच्चों को मार दिया, क्या वो जस्टिस हुआ? तो सर उसमें भी हम लोग मारे गए। अब आप सेम चीज अगर इधर रिपीट करते हो तो सर यहाँ पे भी हम लोगों के साथ इनजस्टिस होगा। शायद एक दूसरा एक ग्रुप है जो प्रोटेस्ट करके ये बता रहा है कि इसको स्क्रैप किया जाए, वो क्या है, वो कितने ही लोग हैं, क्या वो इसमें एग्जाम में कर पाए हैं कुछ? सर वो तो हमेशा देखो ना, हम लोग तो बहुत कम नंबर्स में हैं, मतलब कुछ 0. कुछ समथिंग हो गए हम लोग, क्योंकि हम लोग 197,000 बच्चों में से सेलेक्ट हुए हैं सर, वो दे आर ऑलवेज इन मोर अमाउंट सर, वो तो हमेशा यही चाहेंगे कि हाँ ठीक है अगर इसमें कुछ ऐसा हुआ है तो आप इसको स्क्रैप करो ताकि उनको दोबारा चांस भी मिल जाए। सर मेरी उनके साथ सहमति जरूर है, अगर इन केस कुछ ऐसा हुआ है इस पेपर में या कुछ भी इस रिक्रूटमेंट में, उन बच्चों के साथ है जो उस स्कैम की वजह से कुछ मार्क्स से रह गए हैं। बट यहाँ पे तो बच्चे, आपको पता है कि वो बच्चे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो बच्चे भी सड़कों पे आ जाते हैं कि हमें भी जस्टिस मिलना चाहिए। आपको पता होगा कि सिर्फ 1,37,000 बच्चे जो थे इस पेपर में अपियर हुए थे, तो अगर आप स्कोर कार्ड चेक करते हो ना सर, तो 2-3 हजार बच्चे तो वैसे भी होंगे जिनके नेगेटिव में स्कोर होंगे, तो सर क्या उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए? क्या लग रहा है कि नेगेटिव जो स्कोर्स वाले वो बच्चे बाहर मिलकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ऑब्वियसली सर वो तो यही करेंगे ना, उनको तो बस यही चाहिए, उनको क्या पता सर कि 2-3 साल की मेहनत क्या होती है। हम लोगों ने 3-4 साल इस पेपर के लिए इन्वेस्ट किए हैं सर, इतनी सारी चीजें हमने सेक्रीफाइस की जस्ट फॉर दिस एग्जाम। हमने साथ में जेकेपीएसआई का भी पढ़ा सर, 2 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी आपकी जॉब सिक्योर पता नहीं है कि सर्टेन नहीं है कि कुछ है भी है कि नहीं, आपकी जॉब लगी भी है कि नहीं लगी है। अब 30 दिन आप लगातार सड़कों पर बैठे हैं, आज 31वें दिन आगे पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, क्या लग रहा है 30 दिन का जो मैसेज नहीं गया ये मैसेज जा पाएगा? सर मैं जी सर से यही बोलना चाहती हूँ सर, अगर आपको लगता है प्लीज आप, हमने इतनी मेल डाली है, हमने इतनी अप्रोच करी आपको कि सर हमसे एक मीटिंग करो आप, पर सर एलजी सर ने हमें सुना नहीं। बट हाँ आज मैं आपके मीडियम के थ्रू ये एलजी सर से बोलना चाहूंगी कि सर हम जेन्युइन बच्चों को, हम हार्ड वर्किंग बच्चों को भी आप कंसीडर करो ना, स्क्रैप जो है ये सोल्यूशन नहीं होगा सर, आप लोग हमारे दोबारा गले घोट रहे हो, हमें दोबारा मारा जा रहा है किन बच्चों, किसी दूसरे की वजह से सर हमें पिसा जा रहा है, तो सर ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है सर। ये तो ये चीज जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि फ्री एंड फेयर, अभी आपने कुछ डॉक्यूमेंट बताए कि सीसीटीवी सर्वेलेंस में ये एग्जाम हुआ क्लियर हुआ, इतना कुछ होने के बाद भी आप सड़कों पर है, क्या सरकार को क्या लग रहा है, अपने ही जो नुमाइंदे थे उनके ऊपर शक के बिना से देखनी चाहिए? सर हम स्टार्टिंग से यही चीज बोल रहे हैं कि हम इतने पावरफुल नहीं है, हम कैंडिडेट्स हैं, हमारा काम सिर्फ इतना था कि हमने एग्जाम की फी ली, हमने वो हमारा फंडामेंटल राइट था एग्जाम में अपेयर होना, हम एग्जाम में अपेयर हुए, उसके बाद सर जो भी काम था ये एजेंसी सर था, वो जेकेएसएसबी हो, वो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। अब ऐसा ये क्यों किया जा रहा है सर, अभी तक हम ये कुछ भी इसके बारे में कोई तो मतलब टिप्पणी नहीं करेंगे, पर मैं इतनी बात बोलूंगा सर कि आज क्योंकि हम 30 दिन से बैठे हुए हैं और हम बच्चे किसी भी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं सरकार के साथ, इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है सर जो सरकार के अपोजिट चलना चाहता है या जो इनका डिसीजन है उसके खिलाफ जाना चाहता है। बट क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा अंडर आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा मतलब राइट हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ यही है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बट लास्ट मैसेज ये देना चाहेंगे सर कि इनकेस अगर ये लिस्ट को स्क्रैप करते हैं तो हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम
कोर्ट्स में जाएंगे, हम लीगल एक्शन लेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, वहां पर भी जाने के लिए तैयार है, क्योंकि सर हमें पता कि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, आज पब्लिक को पता कि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए नेगेटिव मैसेज आएगा, जो आज इस एग्जाम्स की या आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि JKSSB भी शक के बिना पे रहेगी। बिल्कुल है सर, मेरा कहना है कि JKSSB को स्क्रैप कर दिया जाए, ये एक ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सर हम बच्चों ने तो नहीं ना ये सब करवाया, जिन्होंने करवाया है, जो इसमें शामिल है उनके गले पकड़िए ना। एक चीज ये पूछूंगा, एग्जाम जब हुआ एक दिन एग्जाम के बाद तुरंत जो पहली जिसके अंडर ये एग्जाम हुआ उनकी तुरंत ट्रांसफर कर दी गई, क्या लग रहा है उनको भी शक के बिना? हो सकता है बिल्कुल, मैं तभी तो बोल रहा हूँ सर, हम सब कैंडिडेट्स यही बोल रहे हैं कि एक ऐसी इंक्वायरी बिठाई जाए, अगर इनको लगता है, क्योंकि अगर स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद इन्होंने किसी ना किसी तह तक तो जाना ही है, तो इससे पहले ही अगर ये उस तह तक चले जाएं, उन लोगों को फिल्टर कर लें और हम लोगों के साथ जस्टिस कर लें, तो ये काफी अच्छा मैसेज, एक अच्छा मैसेज यूथ के ऊपर जाएगा, यूथ तक जाएगा कि इन लोगों ने ना ही आप लोगों के साथ गलत होने दिया जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, और ना ही उन लोगों को छोड़ा जो लोग इस चीज में शामिल थे। कश्मीर में जो लाठीचार्ज हो रहा है बच्चों के ऊपर उसको किस तरह देखें? बिल्कुल, प्रेस एनक्लेव के अंदर लाठीचार्ज हुआ है सर, सोचो प्रेस एनक्लेव के अंदर कश्मीर में लाठीचार्ज हुआ है, जम्मू में भी हमें फर्स्ट डे यहाँ पे बसेस में उठा के ले गए थे, और दिल्ली में भी हमारी जो डेलीगेशन है उनकी भी सुनवाई वहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि अभी 15 अगस्त आपको पता है इंडिपेंडेंस डे है सर, उसके रीजन देते हुए हमें यहाँ से उठा दिया गया, आने वाले दिनों में कश्मीर से उठा दिया जाएगा, और दिल्ली में भी सिक्योरिटी रीजंस की। आप लोगों के बच्चों के हाथ में तो तिरंगे थे ना? बिल्कुल, तिरंगे होने के बावजूद भी आपको यहाँ से हटा दिया। सर हमारे हाथ में, हमारे दिल में तिरंगे हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस यूटी के नागरिक हैं, बट प्रॉब्लम इस टाइम ये हो रही है कि सर हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी इतनी रिजिड हो गई है इस टाइम पे कि सर सुनी ही नहीं जा रही है बात, कोई भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आके बात करने को अभी तक तैयार नहीं है। मैसेज क्या रहेगा सर? लास्ट मैसेज यही है जो स्टार्टिंग से अभी तक रहा है कि हम किसी भी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं, बस हमारी लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए, फिल्टर किया जाए, अगर इनको लगता है बीच में कोई भी ऐसा एलिमेंट है, अदरवाइज सर ये वही बात है कि नेगेटिव मैसेज आएगा और आने वाले टाइम के लिए, आने वाले एग्जाम्स की भी कोई गारंटी नहीं है, बस यही फाइनल मैसेज है सर हमारी तरफ से।